हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में TAB वर्सेस HAS का एक बेहतरीन जानदार टीम आपको देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा ले, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ और साथ में प्लेयर की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ बात करूँ दोनों टीमों की, तो दोनों टीमें आज सुबह में इनका मुकाबला हुआ है, जिसमें TAB 2-1 से इस मैच को जीत गई है। लेकिन देखिए, दोनों में कड़ा मुकाबला हुआ था, और ये भी इस मैच में ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस मैच को कौन जीत सकता है। मेरे हिसाब से TAB के पास थोड़ा सा यहाँ एडवांटेज है, शायद जीत जाएगी। मैं बात करूं कौन कौन से प्लेयरों के साथ इस मैच में जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आउटफील्डर सेक्शन की बात करूं तो आउटफील्डर में मैं फ़िलहाल 3 प्लेयर इस मैच में लेके चल रहा हूँ। के टक्कर आपको मिल जाएंगे। के टक्कर की परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूं तो ये एक बेहतरीन प्लेयर है। इनकी परफॉर्मेंस पिछले मैच में इन्होंने 4 का स्कोर, उससे पहले 14, फिर 4, फिर 0, फिर 23, फिर 3, फिर 20, फिर 0 और फिर 25 का इनका स्कोर है। तो एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस में तो बहुत उतार चढ़ाव वाली परफॉर्मेंस है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं। मेरा उम्मीद यही है कि इस मैच में कुछ अच्छा कर जाएंगे के टक्कर, तो आप इनको ज़रूर यहां से पिक कर लें। अब आते हैं दूसरे प्लेयर, आपको मिल जाएंगे एम ब्रेटली भी एक जानदार प्लेयर हैं, आप इनको लेके चल सकते हैं। पिछला मैच अच्छा गया था इनका, 12 का स्कोर, उससे पहले 7, फिर 16, फिर 0, फिर 4, फिर 13 का इनका स्कोर है। कम मैच खेले हैं, लेकिन इधर के 3 मैच लास्ट के देखें तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मेरे हिसाब से एम ब्रेटली भी इस टीम के हकदार हैं, आप इनको भी यहां से पिक कर लें। अब बात करूं तीसरे प्लेयर, आपको मिल जाएंगे यहां पे आर अरोजरेना। अरोजरेना भी एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनको भी यहाँ से पिक कर लें। पिछले मैच में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, 18 का स्कोर, उससे पहले इनका 0 स्कोर था, उससे पहले फिर 29, फिर 0, फिर 3, फिर 0। मतलब एक मैच में ये चलते हैं, एक मैच में नहीं चलते हैं, कुछ इसी टाइप का इनका रिकॉर्ड आ रहा है। तो हो सकता है इस मैच में चल सकते हैं, तो आप इनको यहां से पिक कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि प्लेयर अच्छे हैं, लगातार मैच खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इनको पिक करना बनता है यहाँ से। तो आर अरोजरेना को भी यहाँ से पिक कर लें। अब बात करूँ इनफील्डर की, तो मैं यहाँ पर 4 इनफील्डर लेके चला हूँ। यहाँ पे आपको पहले प्लेयर मिल जाएंगे TAB की तरफ से, डब्ल्यू एडम्स एक बेहतरीन प्लेयर हैं, आप इनको यहाँ से पिक कर लें। देखिए, इनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इनका नाम बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनको लेके चल रहा हूँ। देखिए, इनका पिछला मैच थोड़ा सा अच्छा कहूँगा गया था, 11 का इनका स्कोर, उससे पहले वाले मैच में बात करें तो 0 का, फिर 4 इनका स्कोर, फिर 29, फिर 0, फिर 7, फिर 27, फिर 11 का इनका स्कोर है। तो मैं कहूंगा कि इनके नाम के काबिलियत के हिसाब से उतना बड़ा स्कोर ये अभी तक नहीं बना पाए हैं, लेकिन प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, डब्ल्यू एडम्स को लेके चल सकते हैं। एक दो मैच छोड़ दें तो और सारे मैच में मेरे ख्याल से फ्लॉपी हुए हैं, लेकिन पिछला मैच अच्छा गया है, तो इसी कारण मैं कहूँगा कि डब्ल्यू एडम्स को लेकर चलें, एक बेहतरीन प्लेयर है। अब आते हैं दूसरे प्लेयर, आपको मिल जाएंगे ए ब्रेगमन एक ज़बरदस्त प्लेयर है, आप इनको यहाँ से पिक कर सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस मैं बता दूँ तो पिछले मैच में इन्होंने 8 का स्कोर, उससे पहले 29, फिर 4, फिर 0, फिर 7, फिर 30, फिर 4, फिर 6 का इनका स्कोर है। तो ब्रेगमन भी एक ठीक ठाक प्लेयर हैं, आप इनको यहां से पिक कर सकते हैं, और लास्ट के 3 मैच देखें तो इनकी परफॉर्मेंस ठीक रही है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि ए ब्रेगमन को आप ज़रूर यहां से पिक कर लें। अब आते हैं तीसरे प्लेयर, आपको मिल जाएंगे एम ब्रोसियू भी एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनको लेके चल सकते हैं। लेकिन पिछला मैच इनका ख़राब गया था, 0 का स्कोर, उससे पहले इनका 22 का स्कोर था, फिर 2 बार इनका 0, फिर 16 स्कोर था। तो ज़्यादा मैच खेले नहीं हैं, 5 मैच खेले हैं, 3 बार इनका 0 स्कोर है, लेकिन प्लेयर अच्छे हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि एम ब्रेसियो को यहाँ से रख सकते हैं। देखिए, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, इनके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी इनको कहना अभी मुश्किल है कि इनको इनके जगह पे किसको रखें, लाइनअप के बाद पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से एम ब्रेसियो खेलते भी नज़र नहीं आ सकते हैं इस मैच में, तो इनको अभी छोड़ दीजिए, लाइनअप के बाद ही पता चलेगा। अब बात करूँ चौथे प्लेयर, आपको मिल जाएंगे सी कोरिया एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनको ज़रूर पिक कर लीजिएगा। इनकी परफॉर्मेंस मैं बता दूँ तो पिछले मैच में इन्होंने 8 का स्कोर, उससे पहले 46, फिर 15 था, फिर 0, फिर 7, फिर 4, फिर 4 का इनका स्कोर है। तो लास्ट के 3 मैच देखेंगे तो बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है, 8, 46, 15 का इनका स्कोर है, तो एक ज़बरदस्त स्कोर इनका भी है, आप इनको भी यहाँ से पिक कर सकते हैं। इनको शायद मेरे हिसाब से कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रख दे तो बेहतर होगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस लगातार इस समय अच्छी चल रही है। तो मैं कहूँगा कि सी कोरिया को आप यहाँ से कुछ
वाइस कैप्टन रख सकते हैं। अब बात करूँ पिचर की, तो पिचर मैं आपको बता देता हूँ, पिचर में देखिए कोई अभी फिक्स नहीं है। अभी फ़िलहाल पिछले मैच में एफ पाल्टी डेज खेले थे, तो मेरे हिसाब से इस मैच को भी खेलते ये नज़र आ सकते हैं। यदि ये खेलते हैं तो आप इनको कैप्टन ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी पिछले मैच में, एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो मेरे हिसाब से आप इनको यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए पिचर को भी मैं नहीं कह पाऊँगा कि कौन सा प्लेयर इसमें खेलेगा, लाइनअप के बाद ही मैं एकदम कंफर्म बता पाऊँगा कि ये प्लेयर खेल रहा है पिचर में, क्योंकि क्या कारण होता है इसमें मैं आपको बता दूँ। यदि कोई प्लेयर इस मैच में अच्छा करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले मैच में उसको चांस दिया जाए, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहूँगा कि लाइनअप के बाद ही मैं पिचर आपको बता पाऊँगा कि एफ वाल्टेज खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, लेकिन यदि एफ वाल्टेज खेलते हैं तो आप इनको ज़रूर पिक कर लें, क्योंकि ये एक बड़े प्लेयर हैं और अच्छी परफॉर्मेंस पिछले मैच में करके आए हैं इसी टीम के खिलाफ, तो एफ वाल्टेज को आप ले सकते हैं। अब बात करूँ कैचर की, तो कैचर में देखिए कैचर में भी वही हाल है जो पिचर में है। एम जुनिनो पिछले मैच में खेले थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए थे, तो मेरे हिसाब से एम जुनिनो को भी अभी फ़िलहाल लेके चलिए, क्योंकि लाइनअप के बाद ही यहाँ पे कैचर और पिचर स्पष्ट हो पाएगा। अब बात करूँ कैप्टन या वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मैं बता देता हूँ, यहाँ से सी कुरिया को मैं कैप्टन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है, आप इनको यहाँ से कैप्टन पिक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस में वो दम दिखता है कि हाँ कैप्टनशिप की लाए, तो यहाँ से सी कुरिया को आप ज़रूर यहाँ से पिक कर लें। और बात करूं वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन में आप के टक्कर आपको मिल जाएंगे, जिनकी परफॉर्मेंस पिछले मैच में 4 की थी, लेकिन बड़े नाम है, इसलिए मैं कहूंगा के टक्कर को आप ले लें, नहीं तो यहां से आप, मैं आपको बता देता हूं डब्लू एडम्स को भी आप यहां से वाइस कैप्टन ले लें, तो वो भी अच्छा आपको पड़ सकता है। यहाँ पर मैं आपको टीम दिखा देता हूँ, तो इस टीम के साथ यदि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन देखिए लाइनअप के बाद ही फाइनल टीम मैं कन्फर्म कर पाऊँगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल मेरे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।